देख रहे हैं CN24। 9 चौराहों पर कंट्रोल रूम से ही ई चलान। ट्रैफिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए SP ट्रैफिक ने की नई पहल। गोरखपुर, अगर आप शहर में गाड़ी लेकर निकलते हैं तो सतर्क रहें। यह सोचकर यातायात नियमों की अनदेखी न करें कि चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस या होमगार्ड नहीं है। काली मंदिर, बेतिया हत्ता, नौसड़, मोहद्दीपुर, पैडलेगंज, रुस्तमपुर, गोलघर, ट्रांसपोर्ट नगर, कचहरी जैसे शहर के 9 चौराहों पर इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत लगे कैमरों की मदद से कंट्रोल रूम से ही ई चालान काटा जा रहा है। चौराहों पर लगे हाईटेक कैमरों के माध्यम से पुलिस लाइन बने कंट्रोल रूम से प्रतिदिन औसतन 30 से 40 ई चालान काटे जा रहे हैं। कहीं भी ट्रैफिक जाम या किसी अन्य समस्या पर कैमरे के साथ पब्लिक एड्रेस सिस्टम से चौराहे पर मौजूद पुलिस कर्मियों को अलग करने के साथ ही ट्रैफिक पुलिस की टीम को भेजा जा रहा है। SP ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने बताया कि गलत साइड से आने वाले वाहन ट्रैफिक में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करते हैं। ऐसे स्थान चिन्हित कर कंट्रोल रूम से ही मॉनिटरिंग के साथ ही चालान भी काटा जा रहा है। आगे इस व्यवस्था को 25 स्थानों पर करने की योजना है। गोरखपुर जनपद में 9 मुख्य चौराहों पर कैमरे, लाइट, पब्लिक एड्रेस सिस्टम ये समेकित रूप से लगाए गए हैं और इनको एक कंट्रोल रूम के साथ जोड़ा गया है। इन चौराहों पर सिग्नल के हिसाब से यातायात प्रारंभ कर दिया गया है, वहाँ ड्यूटियाँ लगाई गई हैं और कंट्रोल रूम में बैठा करके हम डिप्टी SP को और एक DSI को हम इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चौराहों पर मैनुअली भी और कंट्रोल रूम से भी हम ऐसे लोगों को जिन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा है या जो नो पार्किंग जोन में हैं ऐसे लोगों का लगातार चालान कर रहे हैं। ई चालान प्रत्येक हमारा ट्रैफिक का जो DSI, TI, हेड कांस्टेबल और जो हमारी QRT है इनके द्वारा लगातार किया जा रहा है। हम लोगों से अपील करते हैं कि यातायात के नियमों का पालन करें। अगर दोपहिया वाहन चला रहे हैं तो हेलमेट लगा के चलें, अगर 4-व्हीलर है तो सीट बेल्ट लगाएं, ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। सड़क पर एक सफ़ेद पट्टी बनाई गई है, उसके लेफ्ट साइड में ही उनको अपने वाहन खड़े करने हैं। चौराहों के 100 मीटर इधर उधर किसी तरह का कोई वाहन नहीं खड़ा किया जाना है। ये आम लोगों की सुविधा के लिए है जिससे वो सुरक्षित और सुगमता से अपने गंतव्य तक पहुँच सकें।